फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक है थंडराइक के सीखने का नियम। दोस्तों, ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट के लिए और इस टॉपिक से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। एंड सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत मैंने सीखने के व्यवहार वाले सिद्धांत के अंतर्गत थंडराइक, पावलोव, स्किनर एंड गेस्टाल्ट वाले सिद्धांत के अंतर्गत कोहलर के सिद्धांत का जो मुख्य सिद्धांत है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं उन्हीं का वर्णन मैं कर चुकी हूँ, जिस वीडियो को आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आज के टॉपिक थंडराइक के सीखने के नियम। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो थंडराइक के सीखने के नियम उन्होंने बताया है कि उन्होंने प्रयत्न एवं त्रुटि के सिद्धांत को आधार बनाकर कई नियमों का प्रतिपादन किया है। ठीक है, इन्होंने सीखने के दो नियम यानी मुख्य नियम एंड गौण नियम बनाए। मुख्य नियम के अंतर्गत तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम यानी तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेट अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट, ये तीनों नियम आपके एग्जाम पॉइंट से वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तीनों मुख्य नियम से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीधे ऐसे पूछता है कि तत्परता का नियम किसने दिया, थंडराइक ने। ठीक है, या सीधे करता है कोई एग्जाम्पल देकर के बोलता है किसका सिद्धांत है, तत्परता का सिद्धांत है। आगे वीडियो में इसकी अच्छे से चर्चा करूंगी। तो इनके मुख्य नियम के अंतर्गत तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम यानी लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट का इन्होंने बात कही है। एंड गौण नियम में इन्होंने पांच सिद्धांतों की बात की है, जैसे कि बहु अनुक्रिया का सिद्धांत, जिसे लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, दूसरा है तत्परता या मानसिक वृत्ति का नियम, लॉ ऑफ मेंटल स्टेट और एटीट्यूड, तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ पोर्टियल एक्टिविटी, एंड चौथा है अनुरूपता या सादृश्यता या समानता का नियम, लॉ ऑफ एनालॉजी एंड सिमिलरिटी, एंड पांचवा है सहचर्यात्मक स्थानांतरण के नियम यानी लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। इन सब के बारे में मैं एक एक करके डिटेल में बताऊंगी, बस आप ध्यान से देखते जाइए। तो चलिए जानती हैं इन नियमों के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी सीखने के मुख्य नियम के बारे में। थंडराइक ने सीखने के जो मुख्य नियम दिए हैं उसमें से तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम एंड प्रभाव का नियम है। सबसे पहले बात करते हैं तत्परता का नियम। तत्परता के नियम को तैयारी का नियम, माइंड सेट का नियम भी कहा जाता है एंड ए लॉ ऑफ रेडीनेस। तो दोस्तों, यहाँ पे ये ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे कि तत्परता का नियम ना पूछ करके माइंडसेट का नियम पूछ दिया तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए इसका नाम जरूर याद रखिए। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि माइंडसेट का नियम किस नियम को कहा जाता है। तो तत्परता के नियम को तैयारी का नियम, माइंडसेट का भी नियम कहा जाता है, क्योंकि ये मन पर आधारित होता है। यानी इसमें ये देखा जाता है कि सीखने वाला मानसिक रूप से तैयार है या नहीं, क्या उस कार्य के प्रति उसकी रुचि है या नहीं। ठीक है, क्या हम जबरदस्ती उस बच्चे को सिखा रहे हैं, तो जबरदस्ती किसी को सिखाया नहीं जा सकता। ठीक है, यदि जब तक उसका सीखने का मन नहीं है या जब तक वो सीखने के लिए तत्पर नहीं है, जब तक उसमें तत्परता जागृत न की जाए तब तक उसको सिखाया नहीं जा सकता। ठीक है, अगर हम बलपूर्वक उसको सिखाने का प्रयत्न भी करते हैं तो उसके लिए सीखना बहुत कष्टप्रद होगा, जब तक उसकी रुचि नहीं होगी। ठीक है, जब तक उसकी रुचि नहीं होगी, तत्पर नहीं होगा, उसमें प्रेरणा नहीं होगा सीखने की, तब तक वो सीख नहीं सकता। दूसरे शब्द में यदि कहा जा सकता है तो ये कह सकते हैं कि जब तक बच्चे में किसी कार्य को करने या सीखने की इच्छा या रुचि न हो तब तक उसे सीखने के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए। ठीक है, जब तक बच्चे में उस कार्य को करने के लिए प्रेरणा न हो, इच्छा न हो, रुचि न हो, तत्पर न हो उस कार्य करने के लिए, तब तक उसे सीखने के लिए बाध्य करके किसी को भी सिखाया नहीं जा सकता। अगर बच्चा किसी कार्य विशेष को किसी समय या अवस्था में सीखना चाहता है तो उसे पूरा अवसर दिया जाना चाहिए। यदि आपको पता है कि बच्चा बहुत ही तत्पर है किसी चीज़ को सीखने के लिए, तो उस चीज़ में उसको बहुत
अवसर उसको दिया जाना चाहिए, पूरा अवसर देना चाहिए। ठीक है, तो इस नियम को माइंडसेट का भी नियम कहते हैं, क्योंकि व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से परिपक्व और तैयार रहना चाहिए। ठीक है, वास्तव में कुछ सीखना चाहता है, यह सभी उस मेन रुचि है, यानी रुचि जो है सभी शिक्षाओं की प्रेरक शक्ति है। रुचि क्या है? सभी शिक्षाओं की प्रेरक शक्ति है, मूल पॉइंट है। क्योंकि अगर रुचि ही नहीं रहेगी तो आप उस चीज को, उस क्रिया को नहीं सीख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शिक्षकों को चाहिए कि बच्चों में कार्य के प्रति रुचि पैदा करें, क्रियाकलापों को अच्छे ढंग से ग्रहण करने की उसमें रुचि पैदा करें, और अच्छे अच्छे मोटिवेट बातों से मोटिवेट करें, और उनके शारीरिक मानसिक क्रियाकलापों को पहचाने। ठीक है, इसलिए शिक्षकों को चाहिए कि उसकी गतिविधि, अपने शिक्षा सूत्र एंड अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर बच्चे को मानसिक रूप से उस कार्य के प्रति तैयार करे या प्रेरित करे। ठीक है, तो इसके अंतर्गत वार्मिंग अप, जैसे कि वार्मिंग अप आ गया, वार्मिंग अप जैसे कि शरीर को गर्माना हमारे पेशियों को प्रभावशाली क्रियाओं के लिए तैयार करता है। किसी कार्य को करने से पहले जो हमारी मांसपेशियां जकड़ी हुई होती हैं, उन मांसपेशियों को खोलना होता है। ठीक है, और उन मांसपेशियां जो है, जो उसमें थोड़ा बहुत थकावट होता है या तो उसमें आलस्यपन होता है, गर्माने से यानी कि वार्मिंग अप करने से उसमें से वो आलस्यपन समाप्त हो जाता है, और हम जो एक्टिविटी करने वाले हैं, गेम करने वाले हैं या कोई भी क्रिया करने वाले हैं, उसके लिए हमारी बॉडी जो है वो तत्पर हो जाता है, तैयार हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वार्मिंग अप क्रिया किस नियम के अंतर्गत आता है, तो तत्परता या तैयारी के यानी माइंड सेट के नियम के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये था तत्परता का नियम। अब जानते हैं अभ्यास के नियम के बारे में। तो अभ्यास का नियम यानी लॉ ऑफ एक्सरसाइज, जैसे कहा गया है कि करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, यानी अभ्यास बार बार अभ्यास करने से किसी भी क्रिया को सीखा जा सकता है। ठीक है, जैसे कि कहा गया है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, यानी कि जो हमारा अभ्यास है, अभ्यास ही मनुष्य को परफेक्ट बनाता है, यानी कुशल बनाता है। ठीक है, तो ये बात इस पे लागू होता है कि आप जिस चीज का जितना बार अभ्यास करेंगे वो आप उतना ही उसमें परफेक्ट होते जाएंगे। तो बार बार अभ्यास करने से हमारी जो क्रियाएं होती हैं वो हमारे कुशलता को बढ़ाती जाती हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत थार्नडाइक ने दो अभ्यास के नियम के अंतर्गत अभ्यास के नियम को दो भागों में बांटा गया है, उपयोग का नियम, अनुपयोग का नियम, लॉ ऑफ यूज, लॉ ऑफ डिसयूज। तो उपयोग का नियम, इसमें कहने का तात्पर्य है कि इसी यदि आप शरीर के किसी भी अंग को या किसी कार्य को एक बार करने के बाद अगर उसको छोड़ देते हैं, उपयोग का नियम मतलब कि बार बार यदि आप उसका उपयोग करते हैं तो यानी बार बार दोहराने से वह अधिक प्रभावशाली एवं स्थायी बन जाता है, वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। ठीक है, या तो शरीर से ही एग्जाम्पल समझ लीजिए कि यदि आप शरीर के जिस अंग का प्रयोग करते हैं, जिस अंग का उपयोग ज्यादा करते हैं वो ज्यादा शक्तिशाली, मजबूत एंड लचीला युक्त होता है, एंड जिस अंग का उपयोग आप नहीं करते हैं वह अंग उपयोग बंद करने से सीखा गया कार्य जो है, जैसे कि जिस अंग का हम उपयोग नहीं करते हैं वो कार्य शक्तिहीन हो जाता है, उसमें लचीलापन नहीं होता है, उसी तरह कार्य के दृष्टिकोण से देखिए कि जिस कार्य को हम बार बार दोहराते हैं वो अधिक प्रभावपूर्ण एवं स्थायीपूर्ण बन जाता है, यानी उस कार्य को हम अच्छे तरह से सीखते जाते हैं, जितनी बार अभ्यास करेंगे, जितनी बार उसका उपयोग करेंगे उतनी बार ही हम उसको और अधिक अच्छे से सीखते जाते हैं। एंड यदि हम उस कार्य को बंद कर देते हैं, यानी अनुप्रयोग के नियम के अनुसार जब उस कार्य को करना बंद कर देते हैं तो सीखा गया कार्य जो होता है धीरे धीरे विस्मृत होने लगता है, भूलने लगता है। इसलिए उपयोग का नियम हमारा बताता है कि बार बार अभ्यास करने से हमें
कोई भी चीज बहुत अच्छे से सीख सकते हैं और बहुत दिनों तक वह स्थायी रूप से हमें याद रहता है। ठीक है, जिस अंग का हम उपयोग ज्यादा करते हैं वो ज्यादा स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है, फ्लेक्सिबिलिटी उसमें ज्यादा होती है, ज्यादा वो कार्य कर सकता है, कार्य क्षमता उसकी ज्यादा होती है। उसी प्रकार अनुप्रयोग का नियम कहता है कि जिस अंग का हम उपयोग करना बंद कर देते हैं उसमें से लचीलापन, कार्य क्षमता एंड समस्त क्रियाएं उसकी कमजोर पड़ जाती है। और कार्य की दृष्टिकोण से जिस कार्य को हम करना बंद कर देते हैं या सीखने का कार्य अगर मंद कर देते हैं तो सीखा गया कार्य धीरे धीरे विस्मित हो जाता है, भूल जाता है। ठीक है, तो ये अभ्यास के नियम को दो भाग में बांटा गया है, उपयोग का नियम, अनुपयोग का नियम, जैसा कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम को परिणाम का नियम या संतोष असंतोष का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, प्रभाव का नियम, जैसे कि हम किसी कार्य को कर रहे हैं, कोई बच्चा अच्छा कार्य किया, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, तो उसे हम प्रशंसा कर देते हैं या तो उसको पुरस्कार देते हैं, तो क्या होता है उससे, उसके कारण वो अगली बार क्रिया को और अच्छे ढंग से करने के लिए सोचेगा। यदि कहीं हम उसको प्रशंसा करने के बजाय उसको हे दृष्टि से देखते हैं या कुछ गलत प्रभाव, गलत व्यवहार करते हैं, तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, यानी कि मनुष्य की क्रिया का यानी प्रशंसा या पुरस्कार का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है कार्य के, उसके कार्य पर या प्रदर्शन पर, इस ये बात इस प्रभाव के नियम में दर्शाता है। ठीक है, तो प्रभाव यानी कि अगर हम उसको पुरस्कार देंगे तो आगे आने वाले समय में वो और अच्छे ढंग से उस कार्य को करेगा। ठीक है, यदि मान लीजिए इस कार्य को, इस प्रभाव या परिणाम या संतोष के नियम को दो भागों में बांटा गया है, संतोष का नियम, असंतोष का नियम। ठीक है, पहले बात जान लीजिए कि जो प्रभाव का नियम है, सीखने के परिणाम स्वरूप जब बच्चे को आनंद या संतोष मिलता है उस समय सीखने की क्रिया जो होती है वो भी अच्छी तरह से संपन्न होती है। इसके विपरीत सीखने के दौरान कोई संतोष नहीं मिलता है तो उसमें पीड़ा होती है। करने का तात्पर्य जिस कार्य को आप कर रहे हैं उसमें आपको यदि आनंद मिल रहा है, यदि आपको संतोष मिल रहा है, तो उस सीखने की क्रिया को आप अच्छी तरह से संपन्न करते हैं। और इसके विपरीत यदि सीखने के दौरान कोई संतोष नहीं मिल रहा है तो संतोष न मिलने पर आपको पीड़ा होती है, तो उसे सीखने की क्रिया को गतिरोध उत्पन्न होती है। मानव स्वभाव कुछ ऐसा ही होता है कि सुखद अनुभव और सफलताओं में हमेशा याद रखता है, सुखद अनुभव और सफलताओं को, और पीड़ा तथा असफलताओं को भूलने का प्रयास करता है। दूसरे शब्दों में थांडाई का यह नियम सीखने की प्रक्रिया में पुरस्कार एवं दंड के महत्व पर प्रकाश डालता है। किसी यानी कि इस नियम को पुरस्कार और दंड का नियम भी बोला जाता है। ठीक है, और किसी बच्चों को उसके सीखने पर उसे पुरस्कार दिया जाए अथवा उसकी प्रशंसा किया जाए तो उसे आगे और अधिक सीखने को प्रोत्साहन मिलता है, जबकि किसी तरह का दंड या भय उसे दिखाया जाए तो दंड और भय दिखाने से सीखने के लिए न केवल निरुत्साहित होता है बल्कि सीखने में अरुचि भी उत्पन्न हो जाती है। तो इसी आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है, संतोष और असंतोष का नियम। तो संतोष का नियम, यदि हम उसको पुरस्कार देंगे, उसे प्रोत्साहित करेंगे या उसका उसमें रुचि बना रहेगा तो उसे संतोष मिलता है, जिससे वो ऊर्जावान महसूस करता है, जिससे वो कार्य को और अच्छे ढंग से बेहतर तरीके से सीखता है या करता है। ठीक है, वही असंतोष का नियम, यदि हम उसको निरुत्साहित करेंगे, ठीक है, यदि दंड दिखाएंगे, भय दिखाएंगे, अगर उसको उस कार्य में अरुचि रहेगा तो वो कुंठित हो जाएगा। ठीक है, वो कुंठित हो जाएगा, निरुत्साह हो जाएगा। ठीक है, उसके कार्य में मन नहीं लगेगा और वो निराश हो जाएगा, तो इसे कहते हैं असंतोष का नियम। वो कार्य में अच्छी सफलता प्राप्त नहीं करेगा, कार्य को अच्छे मन से नहीं करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार थंडाइक ने प्रभाव के नियम को दो भागों में बांटा है, संतोष का नियम, असंतोष का नियम। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे सीखने के इन तीन मुख्य नियमों को अच्छी तरीके से। मुझे आशा है कि आपको कोई मिस्टेक नहीं होगा इन तीन पॉइंट से, जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप आसानी से हल कर लेंगे। तो आप चलिए जानते हैं सीखने के गौण नियम के बारे में। थंडाइक ने सीखने के गौण नियम के अंतर्गत इन्होंने विभिन्न नियमों को बताया है, जिसमें से पहला है बहु अनुक्रिया का नियम या विविध प्रतिक्रियाओं का नियम, जिसे लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पांस थियरी कहा जाता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पांस थियरी किसकी है, तो थंडाइक की। ठीक है, कभी कभी हिंदी में पूछता है बहु अनुक्रिया का नियम किसका है, तो थंडाइक की।
तो बहु अनुक्रिया का नियम या विविध प्रतिक्रियाओं का नियम या लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, इसके अंतर्गत इन्हें कहना है, इनका कहना है कि नए कार्य सीखने के लिए किसी उद्देश्य प्राप्त या किसी उद्देश्य प्राप्ति के लिए उसके प्रति बहुत सी अनुक्रियाएं किया जाता है। उसमें से जो सही अनुक्रिया होता है उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और जो अनुपयोगी अनुक्रिया होता है उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो यही कार्य होता है बहु अनुक्रिया सिद्धांत नियम के अंतर्गत। एंड दूसरा सिद्धांत है तत्परता या मानसिक वृत्ति या मनोवृत्ति या अभिवृत्ति का नियम। ठीक है, इसके अंतर्गत इसको लॉ ऑफ मेंटल सेट आर एटीट्यूड बोला जाता है, लॉ ऑफ मेंटल सेट आर एटीट्यूड। ठीक है, तो इन सब नियमों को ध्यान में रखिएगा। बस इस तरीके से पूछ सकता है कि लॉ ऑफ मेंटल सेट एटीट्यूड किसका सिद्धांत है। ठीक है, तो इस लॉ ऑफ मेंटल सेट एटीट्यूड एंड तत्परता या मानसिक वृत्ति के अंतर्गत यह जो है, यह सिद्धांत जो है परिवेश पर निर्भर करता है, वातावरण पर निर्भर करता है। ठीक है, वो अगल बगल का वातावरण कैसा है, हमारा परिवेश कैसा है, तो जिस कार्य के प्रति हमारी जितना तत्परता होगा, जितनी अच्छी मनोवृत्ति होगी, उस कार्य को हम उसी अनुपात में सीखते हैं। जैसे कि अनुकूल मनोवृत्ति होने पर बालक शीघ्र से सीखता है, अगर प्रतिकूल मनोवृत्ति है तो बालक सीखने में बाधाएं आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट सिद्धांत है आंशिक क्रिया का सिद्धांत, इन लॉ ऑफ पार्टियल एक्टिविटी। ठीक है, पार्टियल एक्टिविटी, लॉ ऑफ पार्टियल एक्टिविटी यानी आंशिक क्रिया का नियम। ठीक है, जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो गया होगा आपको, तो इसको आंशिक क्रिया का नियम या तत्व की पूर्ण समर्थता का नियम या तत्व प्रबलता का नियम भी बोलते हैं। तो इसके अंतर्गत सांडक ने बताया है कि किसी कार्य को करने के लिए उसे कई टुकड़ों में यानी कि छोटे छोटे अंशों में बांटकर अगर उसको सीखा जाए तो हम उसको बेहतर तरीके से अच्छे ढंग से सीख सकते हैं। उनका कहना है कि बालक के सामने किसी समस्या को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर प्रस्तुत किया जाना चाहिए और एक एक भाग का समाधान किया जाए तो बच्चे पूरी समस्या को शीघ्रता एवं सुगमता से समझकर संपूर्ण कार्य को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए शिक्षक को चाहिए कि संपूर्ण विषय को या किसी भी टॉपिक को छोटे छोटे भागों में बांटकर अध्ययन कराने से वो अध्ययन आसान बन जाता है और जो स्टूडेंट होता है, जो बच्चा होता है, वो भी आसानी से सीखता है और सीखने में इंटरेस्ट भी लेता है। तो बहुत बेहतरीन तरीका है किसी भी कार्य को सीखने के लिए या अपने लाइफ में किसी भी कार्य को करने के लिए। क्योंकि जैसे आपको किताब पढ़ना है, क्या किताब पूरी किताब को आप एक ही बार पढ़ लेंगे? छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे, उनके पार्टों को डिवाइड करेंगे, छोटे छोटे अंशों में डिवाइड करेंगे कि हम इसको इतना समय में पढ़ेंगे, इसको ऐसे समझेंगे, तब तो आप समझ पाते हैं। तो ये नियम बहुत ही बेहतरीन नियम है सीखने के लिए, आंशिक क्रिया तत्वों की पूर्ण समर्थता का नियम। ठीक है, चौथा सिद्धांत है, नेक्स्ट सिद्धांत है अनुरूपता, सादृश्यता या समानता का नियम। ठीक है, तो सादृश्यता का मतलब ही आप समझ गए होंगे कि पूर्व ज्ञान का नवीन कार्य में प्रयोग। ठीक है, तो अनुरूपता, सादृश्यता या समानता का नियम। ठीक है, अनुरूपता का नियम, सादृश्यता या समानता का नियम। ठीक है, समानता मतलब किसी कार्य की किसी कार्य की समानता। ठीक है, तो इसको लॉ ऑफ एनालॉजी आर सिमिलैरिटी बोला जाता है। ठीक है, लॉ ऑफ एनालॉजी आर सिमिलैरिटी। ठीक है, तो इस सिद्धांत के अंतर्गत पूर्व ज्ञान का नवीन कार्य में प्रयोग करना यानी किसी कार्य को दूसरे कार्य से समानता या सादृश्यता स्थापित करना, तो पूर्व ज्ञान का नवीन कार्य में प्रयोग करना इसके अंतर्गत आता है। जैसे कि इसकी शैक्षिक उपयोगिता क्या है, कि आप किसी विषय को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, किसी विषय को पढ़ाते वक्त, उस क्रिया को कराते वक्त, किसी क्रिया को कराते वक्त उसके संबंध में पूर्व ज्ञान को जोड़कर पढ़ाया जाता है, यानी कि सबसे पहले देखा जाता है कि उस विषय से संबंधित बच्चे में क्या पूर्व ज्ञान है, पूर्व का ज्ञान क्या है, तो बच्चा उसे अगर पूर्व ज्ञान से अभी के ज्ञान को रिलेट करके पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे से समझ में उसको आता है। ठीक है, तो इस प्रकार पूर्व ज्ञान का नवीन कार्य में प्रयोग करना या सादृश्यता का नियम या समानता का नियम या अनुरूपता का नियम या लॉ ऑफ एनालॉजी और सिमिलैरिटी बोला जाता है। एंड नेक्स्ट सिद्धांत है पांचवा सिद्धांत एंड लास्ट सिद्धांत सहचर्यात्मक या स्थानांतरण, सहचर्यात्मक स्थानांतरण या सहचारी स्थान परिवर्तन का नियम, यानी कि इसमें स्थान परिवर्तन होता है लेकिन क्रिया परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, सहचर्यात्मक स्थानांतरण, स्थानांतरण मतलब
एक स्थान परिवर्तन, ठीक है, तो सहचर्यात्मक स्थानांतर या सहचारी स्थान परिवर्तन का नियम, ठीक है, सहचारी स्थान परिवर्तन का नियम। तो इस सिद्धांत के अंतर्गत इसको लॉ एसोसिएटिव शिफ्टिंग बोलते हैं, यानी कि स्थान का परिवर्तन होना, यानी परिस्थितियों का परिवर्तन होना, ठीक है। इसमें क्या होता है कि दो परिस्थितियां होती हैं और क्रियाएं सेम होती हैं, परिस्थितियां दो होती हैं और क्रियाएं सेम होती हैं, यानी परिस्थितियां बदल जाए बट क्रियाएं नहीं बदलती हैं, परिस्थितियां बदल जाए बट क्रियाएं नहीं बदलती हैं, क्रियाएं सेम होती हैं। यानी कि एक उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए जो अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स किया जाता है, यदि उसी के जैसे दूसरा उद्दीपक उसके सामने दिया जाए तो पहले उद्दीपक जैसा अनुक्रिया वह करता है तो उसे सहचर्यात्मक स्थानांतरण बोलते हैं। जैसे कि दौड़ की क्रिया का कूद में, ठीक है, यदि आप दौड़ने में बहुत अच्छे हैं, ठीक है, तो परिवेश बदल जाएगा, ठीक है, परिवेश बदल जाएगा यानी परिस्थिति बदल जाएगा। उस समय दौड़ की क्रिया कर रहे थे आप, अभी आप कूद की क्रिया कर रहे हैं, लेकिन दोनों में जो क्रियाएं होंगी वो समान होंगी, ठीक है, दोनों में हाथों पैरों की शक्तियों का प्रयोग करना होगा। एंड नेक्स्ट उदाहरण से आप अच्छे से समझ जाएंगे कि यदि माँ है, माँ के पास उत्तेजक यानी वो बच्चा है, अगर बच्चा के न रहने पर माँ के पास उत्तेजक के रूप में उसके बच्चे का खिलौना है, जब बच्चा था तो बच्चे को अपने बच्चे से प्यार था, अब बच्चा नहीं है तो उसे उसके खिलौनों से प्यार है, यानी कि परिस्थितियां बदल गई हैं लेकिन क्रिया एक ही है, प्यार करना, ठीक है। तो इस प्रकार परिस्थितियां बदल जाए बट क्रिया नहीं बदलती हैं, समान रहती हैं। तो दोस्तों ये आप फांडाई के सीखने के मुख्य नियम के अंतर्गत तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम एंड गौण नियम के अंतर्गत इन नियमों का इसमें बहुत अच्छे से आप सीख गए होंगे और एक दो बार इस वीडियो को अच्छे से देख लेंगे और इसका नोट्स बना लेंगे। आपको कोई भी दिक्कत इस पार्ट से नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन इसके अंतर्गत पूछा जाएगा तो आप आसानी से उसको हल कर लेंगे। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा एंड कोई भी डाउट हो फिजिकल एजुकेशन किसी टॉपिक में तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। एंड नेक्स्ट टॉपिक होगा सीखने का स्थानांतरण, ठीक है, सीखने का स्थानांतरण। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी मैं नया वीडियो नेक्स्ट टाइम अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।